हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू कुक में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के उत्तप्पे। सूजी के उत्तप्पे ये एक बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। सूजी के उत्तप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप सूजी। इसमें मैं अब मिला रहा हूँ 1 चम्मच नमक, 1 कप दही, 2 कप पानी। इसको अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुल मिलाकर यहाँ मैंने 2 कप सूजी के लिए 1 कप दही और लगभग 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करके तुरंत उत्तप्पे बना सकते हो। यहाँ पर मैंने अलग अलग सब्जियाँ ली है, आपको जो चाहे आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच भुने जीरा का पाउडर और 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। इसको भी हम आप अच्छी तरह से अपने हाथ से ही मिला लेंगे। इसे मैंने अब अच्छी तरह से मिला लिया है। अब चलते हैं उत्तप्पा बनाने के प्रोसेस में। उत्तप्पा बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले एक पैन को हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच तेल। इसको 2 से 3 सेकंड रहने देंगे और उसके बाद इस तेल को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। पैन को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं पैन पर डालूँगा हमारे सूजी का बैटर। इसी बैटर के ऊपर मैं अपने हाथ से ही डालूंगा जो हमने कट करके मिक्स कर ली थी वो सारी सब्जियाँ, और इसको हम धीरे धीरे प्रेस करके बैटर को फैला देंगे बिल्कुल इस तरह। इससे जो है वो सब्जियाँ अच्छे से अंदर तक जाएगी। इसको हम मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक सेक लेंगे। मैं यहाँ पर कोनों से तेल डाल रहा हूँ ताकि उत्तप्पा है जो थोड़ा क्रिस्पी बने। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना तेल के भी बना सकते हो। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, अब मैं इसे पलटूंगा। इसको आप एक ही झटके में पलटना, नहीं तो जो उत्तप्पा है वो टूट सकता है। इसको दूसरी साइड से भी हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक सेक लिया है। अब इसे पलटेंगे चेक करने के लिए। ये उत्तप्पा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।